गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक अगेन टू माई चैनल। सो फाइनली आज मैं आप लोग के साथ टाइप ऑफ मॉर्निंग रूटीन शेयर करने वाली हूँ, जो अपडेटेड मॉर्निंग रूटीन है। क्योंकि अभी मैं जस्ट सो के उठ रही हूँ, मेड नहीं आ रही है, एंड उठते उठते मुझे लगती है बहुत ज़्यादा तेज भूख। तो वरुण की सबसे पहली ड्यूटी होती है कि वो उठते उठते ना मेरे लिए बनाना शेक लेकर आते हैं, एंड मैं बेड पर उठने से पहले अपना शेक पीती ही पीती हूँ। क्योंकि बहुत मतलब पूरी रात हो जाती है, कुछ खाती नहीं हूँ, तो मुझे बहुत ज़्यादा भूख लगती है। तो बनाना शेक फर्स्ट थिंग है जो मैं दिन में लेती हूँ, एंड ये मुझे इजीली डाइजेस्ट भी हो रहा है, एंड मुझे मिलती है मॉर्निंग में किससे जो मेरा मॉर्निंग रूटीन है। एंड मैं ऐसे बैठ के अपना बनाना शेक को इंजॉय करती हूँ थोड़ा सा फ़ोन के साथ, एंड आपके कॉमेंट्स पढ़ती हूँ। और मेड हम लोगों ने हटा दी है क्योंकि सिचुएशन बहुत ज़्यादा ख़राब चल रही है। एंड आप में से कितने सारे लोगों ने मेड हटा दिया मुझे ना कॉमेंट करके बताना प्लीज़। अभी मैं पूरी तरीके से हूँ नींद में, और आजकल हम काम बिल बांट के ही कर रहे हैं, क्योंकि वैसे तो वरुण का ऑफिस रहता है बट वरुण घर पे ही रहते हैं। तो बस मैं शेक वेक पीने के बाद आधा पौन घंटा रेस्ट करती हूँ, एंड वरुण चाय पीते हैं तब तक अपने। तो उसके बाद मतलब लाइक एक घंटे के बाद मैं बनाती हूँ ब्रेकफास्ट। तो ब्रेकफास्ट में जो भी अवेलेबल होता है वो हम बना लेते हैं। जैसे कि कल मेरे पास आटा मैंने बना के रख दिया था मल के, तो 3 परांठों का आटा था, तो मैंने 3 परांठे बना लिए थे। मतलब कभी नहीं होता है तो हम पोहा बना लेते हैं, कभी मैक्रोनी, वरना वरुण ज़्यादातर सैंडविच बना लेते हैं। तो ब्रेकफास्ट हमारा इसी टाइप का कुछ रहता है रूटीन में। अभी बड़ा थक गई मैं बोलते बोलते इतना, और काफ़ी टाइम के बाद मैं अपना मॉर्निंग रूटीन शेयर कर रही हूँ। और प्रेगनेंसी के टाइम का तो शायद ये फर्स्ट ही मॉर्निंग रूटीन आपके पास होने वाला है। क्योंकि मेड नहीं आ रही है तो काम भी बहुत ज़्यादा हो जाता है, बहुत सारी चीज़ें मैनेज करनी पड़ रही हैं, और मैं एक साथ ना काफ़ी सारा काम नहीं कर पाती हूँ। बट फिर भी यार करना पड़ रहा है, क्योंकि हम दोनों को ही करना है वही चीज़ें फाइनली। आके वरुण बहुत सारी चीज़ें कर रहे हैं, बट उनका ना फिर ऑफिस भी हो जाता है। तो बस ब्रेकफास्ट की तैयारी मोस्टली मैं ना पहले से करके रख लेती हूँ। अगर मुझे परांठे बनाने हैं, मतलब हम लोग रात में सोच के ही सोते हैं कि भाई कल सुबह फिर क्या खाना है, वरना फिर मुझे सुबह सुबह भूख लगती है। तो मिर्च का अचार था, मम्मी लेकर आई थी, जो रेड वाली मिर्च होती है ना भरवा, वो हम लोगों ने खा लिया है। एंड आज हम लोगों ने वेजिटेबल्स मंगवाए थे, तो ये वरुण ने धूप में सारे उठा के रख दिए हैं, इनको मैं वॉश करूँगी अभी। और हमारी बालकनी में ना 15-20 मिनट्स के लिए धूप आती है, और यहाँ रखे हैं मेरे कुछ कोरियर जो आए थे आज, तो मैंने उनको ना बालकनी में रख दिया। जो भी कुछ आता है ना हम उसे बालकनी में उठा के रख देते हैं, और धूप आ जाती है मतलब 15-20 मिनट्स के लिए, कभी आधे घंटे के लिए, इतनी ठीक है। एंड अभी मैं लगाने जा रही हूँ झाड़ू। मैं ना धीरे धीरे आराम आराम से सारे काम करती हूँ। इस वीडियो में ये थोड़ा सा फास्ट है, मतलब 1.5 की स्पीड पर चल रहा है, बट मैं काफ़ी ज़्यादा आराम आराम से धीरे धीरे, और जो खड़े खड़े ईजिली हो जाए ना वो वाले काम करती हूँ, या फिर जो बैठ के ईजिली हो जाए। और वरुण ने ले लिया था पूरा का पूरा किचन, कि आज किचन ना मैं क्लीन कर दूंगा। तो वरुण ने पूरी फ्रिज क्लीन की थी, पूरी किचन क्लीन की थी, बहुत सारे बर्तन हो गए थे वो क्लीन किए थे। अभी हम लोग सोच रहे हैं कि डिस्पोजल कुछ बर्तन ले आएँ, ताकि बर्तन थोड़े कम गंदे हों। तो अभी लेट सी प्लान कर रहे थे, आज हम लोग यही डिस्कस कर रहे थे, ताकि ना मेन मेन बर्तन ही गंदे हों, जो बड़े बड़े होते हैं, छोटे छोटे बर्तन गंदे ना हों। अभी देखते हैं जो भी प्लान होता है, क्योंकि फिर वरुण के जब वीकेंड होता है ना तो इजीली हो जाता है, बट जब ऑफिस टाइम होता है तो थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है। और ये फ्रिज आज पूरा खाली किया था, पूरा फ्रिज वरुण ने साफ किया था, क्लीन किया था, उसके बाद फिर सही किया था। एंड तब तक मैंने बस आराम आराम से पूरे घर में लगा दी है झाड़ू। आप लोगों का क्या रूटीन रहता है मुझे कॉमेंट करके बताना। अभी मैं सोच रही हूँ हाउस टूर करने की, बट अभी ना घर पूरे तरीके से सेट नहीं हो पाया है। मतलब जो बाहर वाला रूम है वो हल्का सा मैस्ड अप पड़ा है। देखो ये टेबल पे सामान पड़ा है, कुछ वेजिटेबल पड़े हैं, इस टब में हम लोग वॉश करते हैं वो है, सोफे पे मेरा कोरियर आया हुआ है, ये वेकफिट के पिलो मैंने मंगवाए थे वो आए हुए हैं, 2-3 कोरियर और पड़े हैं, कुछ खुले पड़े हैं, कुछ नीचे पड़े हैं, तो सेट नहीं हो पा रहा है अभी, बस धीरे धीरे हो पाएगा। और वरुण अपना फ्रिज को चमकाने में लगे पड़े हैं, बाहर से अंदर से पूरा फ्रिज चमका दिया है। और पता है क्या हुआ है, मैं ना एक दिन क्या हुआ था कि फ्रीज़र में ना बर्फ़ जम गई थी, और मैंने पता नहीं क्या करने गई थी, मैंने फ्रीज़र का गेट खोला, वो टूट गया, तो वो टूट के रखा हुआ है। हल्के हल्के से ना मैं जाले भी ले लेती हूँ, वैसे जाले हैं नहीं, क्योंकि मैं डेली ऐसा करती हूँ, अगर मुझे ऐसा हल्का सा भी कहीं दिखता है दीवार पर, तो मैं मतलब झाड़ू लगाती रहती हूँ दीवार पर भी, तो जाले होते नहीं हैं, क्योंकि मैं डेली ना इस टाइप का कर लेती हूँ। उसके बाद ये रूम थोड़ा सा मैसी हो गया था, इसको सेट कर दूंगी। इसे हम यूज़ करते हैं बहुत ही कम, जब ऐसा होता है कि हाँ भाई थोड़ा सा एसी यूज़ करना है तभी यूज़ करते हैं ज़्यादातर मैं इसे, खाना बनाने के बाद कह सकते हो, मुझे लगता है कि हाँ अभी एसी में लेटना है तब मैं इस रूम में आती हूँ।
तो इसमें क्वेश्चन बहुत सारे रखे थे। और ये देखो बर्तन, मतलब किचन का इतना गंदा हाल हो रहा था ना, और उन्होंने पूरा फ्रिज खाली किया है, ये वो सब है फ्रिज के ऊपर बर्तन, तो ये सब कुछ वरुण ने क्लीन किया था। एंड तब तक मैं यहाँ पे क्लीन करने आ गई हूँ ये सारी चीज़ें, जो वरुण को पता ही नहीं थी, बाद में पता चला रही क्यों कर रही है। मैंने कहा यार बैठ के मैं कर लूँगी इजीली, तो मैं सोफे पे बैठ गई थी। एंड ये फ्रिज के जितने बास्केट्स होते हैं ना, ये सारी चीज़ें, वो सब मैं क्लीन कर रही थी। वैसे पता है सोफ़ा ना ऊँचा पड़ रहा था, तो मुझे बहुत ही वो रहा था, ऊपर नीचे हो रहा था। मैं ना पट्टा लेकर आऊँगी, उस पर ईजिली बैठ के हो सकते हैं, प्रॉपर हाइट का रहेगा वो। तो इन सबको ना मैंने धो दिया था, एंड साथ में वेजिटेबल्स भी थी वो भी धो दी थी। आज किचन की डीप क्लीनिंग की थी, मतलब बेसिकली हमने डेली ऐसा कुछ कर लेते हैं। और आज हम लोगों ने पोछा नहीं लगाया था, मॉपिंग हम करते हैं ऑल्टरनेट डे या फिर थर्ड डे भी, मतलब हम दोनों ही रहते हैं, झाड़ू में डेली लगा ही रही हूँ, तो मॉपिंग का हमने थर्ड डे का सीन रखा हुआ है कि हाँ ठीक है थर्ड डे पर हम मॉपिंग कर देंगे, क्योंकि इतना गंदा तो होता नहीं है, और किचन डेली साफ़ हो ही जाता है, बर्तन डेली साफ़ हो ही जाते हैं, तो फिर लगता है ठीक है मॉपिंग अभी चल जाएगा। उस वाले घर में ना बहुत धूल मिट्टी आती थी, इस वाले में थोड़ी कम आती है, और वेदर भी अच्छा हो रहा है। आपके वहाँ पे वेदर कैसा हो रहा है मुझे कमेंट करना। हमारे यहाँ पे तो कल बहुत ही ज़्यादा अच्छा वेदर था, बहुत ही ठंडक सी हो गई है थोड़ी, मतलब लग नहीं रहा कि अप्रैल है। वैसे भी पता है यहाँ पे ना डायरेक्ट धूप नहीं आती है, तो इतनी गर्मी नहीं होती है जैसे उस वाले घर में होती थी, वहाँ पे 5 बजे तक धूप रहती थी, यहाँ पे नहीं होता है, तो यहाँ पे ठंडक रहती है। मतलब अभी ना हमने एक भी दिन रात में सोने के लिए एसी का यूज़ नहीं किया है, एसी यूज़ करते हैं तो बस जब मैं खाना बना के आती हूँ तब आधे घंटे के लिए मैक्सिमम। तो वेदर अभी तक ऐसा है, तो बहुत ही यहाँ पे मैंने बड़ी खुश थी, मैंने कहा यार यहाँ पे तो बहुत लाइट बचेगी क्योंकि सबसे ज़्यादा लाइट एसी में ही जाती है और वो हम यूज़ ही नहीं कर रहे हैं तो मैं बहुत ज़्यादा खुश थी। और यहाँ पे फ्रिज की सारी बास्केट हो चुकी हैं साफ़, उसके बाद मैंने सोचा कि वेजिटेबल्स भी क्लीन कर देते हैं, और इसे साफ़ करने में बहुत टाइम लग गया, बट ये वीडियो बहुत फास्ट है ऐसे ही अभी धीरे धीरे चीज़ें हो रही हैं। एंड वीकेंड पे हम लोगों ने सोचा था कि किचन क्लीन कर देंगे ताकि हफ्ते भर साफ रहेगा, एंड बर्तन तो वरुण डेली के डेली क्लीन कर ही देते हैं। ये वाला जो वीडियो है ये है सैटरडे का, एंड आपके पास आ रहा है ये मंडे को। हाँ मंडे को आएगा ये, मैं इसे एडिट कर रही थी भी रात में बैठ के, शाम को आज संडे है। और ये बस आलू प्याज, मतलब पूरे हफ्ते की सब्ज़ी ना एक बार में मंगा लेते हैं हम लोग घर पे ही, बिल्कुल बाहर नहीं निकल रहे हैं, और फ्रूट्स भी घर पे ही मंगा लेते हैं, सब्ज़ी भी घर पे मंगा लेते हैं, पूरे हफ्ते का काम हो जाता है फिर हमारा। एंड आप लोग फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स कैसे मैनेज कर रहे हो, मतलब लेने जाते हो या फिर घर पे मंगाते हो, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना, क्योंकि हम लोग ना आप सोच रहे हैं कि ना ही जाएं यार बाहर, मतलब क्यों ही जाना है ना, जो चीज़ पॉसिबल है एटलीस्ट वो तो कर सकते हैं। और हम लोग ना ग्रॉसरी भी मंगवा रहे हैं घर पे, और दूध वूध भी मंगवा लेते हैं हम लोग। क्या करते हैं जो हमारे यहाँ ग्रॉसरी की शॉप्स है ना, उन पर मिनिमम 200 का आपको मंगवाना है, तो दूध जब मंगवाते हैं ना कुछ 2-3 आइटम ग्रॉसरी भी ऐड कर देते हैं उसमें, तो उससे वो 200 प्लस हो जाता है हर थर्ड या फोर्थ डे, तो फिर वैसे मंगवा लेते हैं, एक साथ ग्रॉसरी नहीं मंगवा रहे हैं, वरना फिर दूध मंगवाने में प्रॉब्लम होगी। तो ऐसे ही धीरे धीरे चीज़ें चल रही हैं। एंड क्या कंडीशन है आप लोगों के यहाँ पे यार कोरोना की, वो भी मुझे बताना। हमारे यहाँ पे तो बहुत ही ज़्यादा वर्स्ट सिचुएशन हो रही है, और बस यही है यार, खुद को लॉकडाउन कर लो, खुद अपनी केयर करनी पड़ेगी, और कुछ नहीं हो सकता है। एंड फिर मैंने क्लीन कर दिया बालकनी भी वाइपर करके, तभी के तभी तो थोड़ा ठंडक रहती है, शाम को ये वाला गेट हम खोल लेते हैं तो अच्छा एकदम ठंडा ठंडा हो जाता है, दोनों गेट अगर खोलो ना प्रॉपर वेंटिलेशन हो जाता है अच्छा खासा। बस यही था हमारा आज का छोटा सा वीडियो यार, आई होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा। और वरुण कर रहे हैं बर्तनों की धुलाई बहुत सारे बर्तन साफ़ किए थे वरुण ने, एंड इनको साफ़ करने के बाद पूरा बालकनी में रखा था, फिर किचन पूरा क्लीन किया था। और मैं कल की वीडियो में आपको दिखाऊंगी किचन में छोटी छोटी ना क्लीनिंग बहुत सारी की थी, वो मैं आपको कल की वीडियो में दिखाऊंगी। एक तो मैं चाहती हूँ एक बार ना घर सेट हो जाए, बट हो ही नहीं पा रहा है, धीरे धीरे हो रहा है, मतलब प्रॉपर एक बार सेट हो जाए ना फिर थोड़ा सा इजी रहता है शायद हाँ, बट अब ठीक है हो जाएगा। वरुण काफ़ी ज़्यादा चीज़ें हैंडल कर रहे हैं अभी, क्या कर सकते हैं। और बर्तन तो मैंने बिल्कुल साफ़ नहीं कर रही हूँ, वरुण की ही ड्यूटी है बर्तन साफ़ करने की, मैं झाड़ू लगाती हूँ, मशीन लगाती हूँ, एंड डस्टिंग, मैं तब तक ना डस्टिंग कर रही थी, बाहर का मैंने क्लीन कर दिया था, उसके बाद मैं हाँ डस्टिंग कर रही थी, मैं डस्टिंग कर लेती हूँ, खाने में रोटी बना लेती हूँ, सब्ज़ी बना लेती हूँ, और मतलब मिल के हम लोग खाने का सेटल कर लेते हैं, तो बस ऐसे ही चल रहा है। एंड तब तक मैंने बेडरूम भी क्लीन कर दिया था, हाँ तो मैं आपको बेडरूम दिखाती हूँ।
बेडशीट मैंने साफ़ कर दी थी, अच्छे से बिछा दी थी एंड बेडिंग पूरा कर दी थी क्लीन। उसके बाद मैं जा रही हूँ ये कॉटन का दुपट्टा लेके बाहर, जो मैंने वेजिटेबल्स धो के ना बास्केट में भर दिए थे तो उनको सुखाने के लिए, वरना वो मतलब पानी में पड़े पड़े ख़राब हो जाएंगे ना इस तरीके से। तो यहाँ पे क्या करूँगी, आधे घंटे के लिए उनको सुखा दूँगी मैं कॉटन के कपड़े पर, दुपट्टे पर। इसको मैं पिछले एक साल से ना इसी तरीके से यूज़ कर रही हूँ, धोने के बाद ना यहीं पर उन्हें डाल देती हूँ और फ़ैन चला दूँगी। वैसे तो ज़रूरत नहीं है, वेदर इतना ठीक है, बट स्टिल मुझे लगा कि जल्दी सूख जाएंगे एंड फिर हमें ना जल्दी से फ्रिज में ऑर्गेनाइज़ कर देंगे। तो मैंने थोड़ा सा फ़ैन चला दिया और मैक्सिमम इन्होंने 10 से 15 मिनट लिए वेजिटेबल्स को सूखने के लिए और फिर सारी वेजिटेबल्स हमने कर दी फ्रिज में सेट। तो बस यही था मेरा आज का छोटा सा वीडियो, आई होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो लेट मी नो इन द कॉमेंट सेक्शन और लाइक कर सकते हो इसको, बहुत सारा शेयर कर सकते हो मेरे वीडियो को फ्रेंड्स के साथ, फैमिली के साथ एंड बहुत सारे लोगों के साथ। मिलती हूँ मैं आपसे अपनी नेक्स्ट वाली वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय। ये देखो सारी सब्जियाँ सूख रही हैं, नीचे सब्जी सूती है, ऊपर पंखा चलता है और ये देखो मैंने फ़ैन चला दिया। तो बस 10 मिनट में ये सब सूख के हो जाएंगी बराबर। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो के साथ, टाटा।